राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई गुरुद्वारा नहीं बल्कि पटना साहिब का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। जी, पटना साहिब रेलवे स्टेशन। पंजाबियों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान पटना साहिब में ही है। इस कारण से दोस्तों गुरुद्वारे के रूप में इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है दोस्तों। चलिए, आप बने रहिए हमारे वीडियो पर दोस्तों। आगे आगे आपको दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो दिखाने लायक है दोस्तों। यदि आप कभी पटना आते हैं या पटना साहिब आते हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर घूमें। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर ये स्मार्ट बाज़ार यहाँ पर बन के तैयार है, जो कि रिलायंस का है दोस्तों। और अंदर में बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है दोस्तों। कभी आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर रिलायंस स्टोर में जाके एक बार घूमें। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, पटना साहिब का फ्लाईओवर है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूं दोस्तों पुनपुन नदी और सूर्य मंदिर। तो बने रहिए दोस्तों मेरे ब्लॉग पर और देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट होगा दोस्तों, तो मैं प्रोफेशनल भी बन जाऊँगा। मेरे वीडियो में बनाते समय या मेरे ब्लॉग को बनाते समय बहुत सारी कमियाँ होगी दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ़ी करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे दिखाते हैं। ये निशान साहिब है दोस्तों, इसको जो आप देख रहे हैं साइड में स्टील का जो बना था, वो निशान साहिब कहलाता है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्लाईओवर के ऊपर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। फ्लाईओवर हमारा पटना साहिब का फ्लाईओवर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और नीचे रेलवे का पटरी बिछा हुआ है दोस्तों। ये रेलवे के पटरी के ऊपर ये फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि बाईपास रोड की ओर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपकी है। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों बाईपास रोड पर, और अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। बाईपास रोड अभी बहुत ही ट्रैफिक से स्मूथ है, मतलब ट्रैफिक है ही नहीं बिल्कुल रोड पर। लेकिन आए दिन अगर आप आते कभी भी दोस्तों, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है बाईपास रोड पर भी। बहुत ही इजीली हम लोग आगे ड्राइव कर पा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी ऐसी ऐसी बिल्डिंग है दोस्तों, जो भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बाईपास रोड में। और ये डंपर वाले से थोड़ा बच के चले दोस्तों, ये बहुत हैवी ड्राइवर होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है अभी के डेट में, और फ्लाईओवर, बहुत सारे फ्लाईओवर पटना में बन चुके हैं। इधर आप जो देख रहे हैं, ये भीमेश्वर महादेव मंदिर न्यू जगनपुरा कहलाता है। काफ़ी जाम यहाँ लगा हुआ है अभी, मतलब काम कितने तेज़ी से चल रहा है पटना में। आज हम लोग पटना घूमने निकले हैं, अभी जिस जगह पर हम लोग हैं उस जगह को 0 माइल कहते हैं, और ये बहुत तेज़ी से पटना का काम चल रहा है आगे। देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक पलटा हुआ था पूरा। ये जिस रोड पर अभी हम लोग चल रहे हैं, ये पटना का बाईपास रोड है। उसके बाएं साइड में और दाहिने साइड, दोनों साइड में पटना का मेट्रो का काम चल रहा है दोनों साइड में। हमारे चैनल बने रहे दोस्तों, आगे आगे दिखाते हैं आपको पटना का पूरा दृश्य बना हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सूर्य भगवान का मंदिर। ये देख रहे हैं दोस्तों आप नदी, ये पुनपुन नदी है, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी नदी है पुनपुन नदी। इस नदी के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, तो ये नदी गंगा नदी से जाकर मिलती है, और ये नदी बहुत सारे लोग धार्मिक स्थलों के नाम से भी इस नदी को भी जानते हैं। यहाँ पर आते हैं सभी स्नान करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, अभी अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। रात के बज चुके हैं 7, और हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये शाम के 7 बजे किस तरीके से दिखता है हमारा पटना साहिब।
और लाइट की पूरी व्यवस्था है दोस्तों। रात आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि दोस्तों, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं।